हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका कंप्यूटर टॉपिक चल रहा है सुपर टेट में, जिसमें आज आपकी क्लास है इंटरनेट और स्मार्टफोन। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर में इंटरनेट कहते किसे हैं और स्मार्टफोन किसे कहते हैं। ठीक है, इनके प्रश्न भी दिए गए, उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है आखिर में इंटरनेट है क्या। तो इंटरनेट एक जाल है। क्या है? एक जाल है, कंप्यूटरों का, नेटवर्क का एक जाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। यानी इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का जाल है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का एक क्या है? जाल है, जो सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। यानी इंटरनेट जो है वो कंप्यूटरों का एक ऐसा जाल है जो दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को किसके माध्यम से जोड़ता है? सर्वर के माध्यम से जोड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम इंटरनेट। ठीक है, ये था इंटरनेट। अब देखेंगे इससे जुड़े हम प्रश्नों को, आखिर में इंटरनेट से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में। नहीं, इंटरनेट के जन्मदाता कौन है? इंटरनेट का जो आविष्कार किया है वो किसने किया है? तो इंटरनेट के जो जन्मदाता है वो बिंट जी सर्फ है। कौन है? बिंट जी सर्फ। यानी इंटरनेट का जो जन्मदाता है, आविष्कार किया है, वो किया है बिंट जी सर्फ ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका, कि इंटरनेट की शुरुआत कहाँ हुई थी। यानी सबसे पहले इंटरनेट की जो शुरुआत की गई वो किस शहर में की गई, किस देश में की गई? तो वो की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले कंप्यूटर इंटरनेट की शुरुआत की गई, सबसे पहले। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा, कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। अमेरिका में तो सबसे पहले हो गई, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? तो भारत में 15 अगस्त 1995 को, यानी वर्ष 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली वेबसाइट कब बनी। भारत में सबसे पहली जो वेबसाइट थी वो आपकी 1991 यानी वर्ष 1991 में बने थे। ठीक है, यानी भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर था उसकी, सॉरी, इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 1995 में हो गई थी, लेकिन इंटरनेट पर सबसे पहली जो वेबसाइट थी, भारत की नहीं, कई पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, तो 1991 में सबसे पहली वेबसाइट बनी थी। अगला प्रश्न है आपका, कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करता है। यानी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है? तो ये करता है आपका ब्राउजर। जितने भी आपके ब्राउजर हैं, फायरफॉक्स है, मोजिला है, क्रोम है, इनके माध्यम से ही तो आप कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर तक, यानी इंटरनेट से जुड़ सकते हो। अगर ये नहीं है, अगर इनका प्रयोग नहीं हो रहा है, तो क्या डायरेक्ट हम कंप्यूटर से जो इंटरनेट है, डायरेक्ट हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते। ब्राउजर के माध्यम से ही इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, मदद करता है जुड़ने में। अगला है, भारत में इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन थी। यानी भारत में सबसे पहले इंटरनेट टेलीफोन जो माध्यम से जो इंटरनेट की सेवाएं लॉन्च की थी, वो सबसे पहले बीएसएनएल ने की थी। यानी बीएसएनएल का जो टेलीफोन का केबल होती है, उसके माध्यम से इंटरनेट की शुरुआत की गई थी सबसे पहले। ठीक है, तो ये था आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट किसे कहते हैं? इंटरनेट कंप्यूटर का वह जाल होता है जिसके माध्यम से हम कहीं भी हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो सर्वर के माध्यम से दुनिया भर में किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकता है, उसे हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट के जन्मदाता आपको बता दिए, बिंट जी ज़र्फ हैं, और इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इंटरनेट भारत में, इंटरनेट की शुरुआत तो भारत में 15 अगस्त 1995 में हुई थी, और इंटरनेट पर सबसे पहली वेबसाइट वर्ष 1991 में हुई थी। उसके बाद है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में आपका ब्राउजर मदद करता है, और भारत में इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को शुरू करने के लिए किस कंपनी
का योगदान है तो बीएसएनएल का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो था आपका इंटरनेट, अब देखेंगे हम स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन क्या होता है, यानी स्मार्टफोन उस मोबाइल को कहते हैं जिनकी कंप्यूटिंग क्षमता, यानी जो कंप्यूटिंग जो क्षमता है तथा टेक्निविटी सॉरी कनेक्टिविटी, कंप्यूटिंग क्षमता और कनेक्टिविटी आधारभूत फोनों की तुलना में, यानी उन फोनों की तुलना में सबसे अधिक होती है। यानी स्मार्टफोन की खासियत क्या है, इनकी जो कंप्यूटिंग क्षमता है और कनेक्टिविटी है वो आधारभूत जो अन्य फोन हैं उनके माध्यम से बहुत अधिक होती है, इसीलिए इन्हें स्मार्टफोन कहते हैं। जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं, जल्दी से कोई फाइल इनके माध्यम से डाउनलोड हो जाती है, जल्दी से हम इसके माध्यम से कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटर स्मार्टफोन से जुड़े कई प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम एक एक करके देखेंगे। आपका पहला प्रश्न है कि स्मार्टफोन में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं। तो स्मार्टफोन में आपका ईमेल, स्मार्टफोन के माध्यम से आप ईमेल भेज सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो स्मार्टफोन में, और बुक रीडर, स्मार्टफोन में आप बुक रीडर बुक किताबें भी पढ़ सकते हो स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के माध्यम से वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन में और भी कई सुविधाएं होती हैं, ईमेल भेजना, इंटरनेट चलाना, बुक रीडर करना या फिर वाईफाई कनेक्ट करना, ये सभी जो सुविधाएं हैं वो किसकी हैं, वो है आपकी स्मार्टफोन की। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला मोबाइल फोन कौन सा था। तो विश्व का सबसे पहला मोबाइल फोन आपका था मोटोरोला, जिसका आविष्कार वर्ष 1973 में हुआ था। यानी विश्व का, दुनिया भर का सबसे पहला मोबाइल था आपका मोटोरोला, और जिसका विकास 1973 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला स्मार्टफोन फोन कौन था। तो विश्व का पहला जो स्मार्टफोन था आईबीएम शिनिया, और जो आईबीएम कंपनी द्वारा बनाया। अब आईबीएम क्या है, तो ये कंपनी है, इंटरनेट बिजनेस मशीन, इसका आविष्कार जो हुआ था वर्ष 1993 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दुनिया में सर्वाधिक बिकने वाला फोन कौन है। तो सबसे अधिक जिस फोन की डिमांड हुई थी, सबसे अधिक जो फोन मार्केट में बिचा था वो था नोकिया का 1100, ठीक है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाला जो फोन था वो आपका कौन है, वो है आपका नोकिया 1100। अगला प्रश्न है, पहला टच स्क्रीन फोन कब लॉन्च किया गया, यानी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो पहला जो टच स्क्रीन फोन था वो आईबीएम द्वारा आपका लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, फर्स्ट जी यानी 1G, जैसे फर्स्ट जनरेशन भी कह सकते हैं, 1G टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहां की गई। तो 1G टेक्नोलॉजी की जो शुरुआत है वो जापान में, और कब की गई, तो वर्ष 1978 में की गई थी। अभी आप देख रहे हो 1G 2G 3G 4G 5G यहां तक आ गए हैं। तो 1G की जो शुरुआत हुई थी वो जापान में हुई थी, और किस वर्ष हुई थी, तो वर्ष 1978 में हुई थी। अगला है कि 2G टेक्नोलॉजी की शुरुआत कब हुई। तो 2G टेक्नोलॉजी की शुरुआत आपकी फिनलैंड में हुई, और किस वर्ष हुई, तो ये हुई है वर्ष 1991। अगला प्रश्न है कि 3G की शुरुआत कब हुई टेक्नोलॉजी की। तो 3G की हुई है जापान में, और कब हुई है, तो ये हुई है वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 में जो 3G टेक्नोलॉजी आई थी। अब 1G 2G 3G इनकी आवश्यकता कैसे होती है। 1G यानी कोई भी चीज है धीरे धीरे चल रही है, 2G में और तेज चलने लगी, 3G में उससे भी स्पीड में। जैसे आप कोई मूवी या पिक्चर डाल रहे हो, तो पहले जो समय लगता था, अगर 1G डाटा था, 1G था, तो उसमें समय लगता था, मान लो 1 घंटा लग गया आपको डाउनलोड करने में, कोई 10 MB की फाइल 1 घंटा लग गया। 2G आया तो वहां पर 1 घंटा की बजाय आपको लग गया 40 मिनट। 3G में, 3G में भाई और कम हो गया, यहाँ पे 30 मिनट लग गए। तो इस तरीके से अगर 4G आया तो चुटकियों में, तो कह सकते एक उदाहरण है कि 30 मिनट में डाउनलोड रहे 10 MB का, यानी 2 मिनट 5 मिनट। अब तो क्या होता है, 1 सेकंड ज्यादा ज्यादा 20 सेकंड 30 सेकंड कि कोई भी फाइल हो तो वो डाउनलोड हो जाती है। अगला प्रश्न है कि 4G को हिंदी में क्या कहते हैं। तो
4G को हिंदी में मोबाइल नेटवर्क के विकास में चौथी पीढ़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोबाइल नेटवर्क के विकास में से हम चौथी पीढ़ी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एंड्रॉइड क्या है? तो एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है कि फेसबुक के सर्वाधिक यूजर कहां हैं, किस देश में है? तो फेसबुक के सर्वाधिक जो यूजर हैं वो आपके अमेरिका में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्लूटूथ के संस्थापक कौन है? तो ब्लूटूथ के संस्थापक हैं एरिक्सन। अब ब्लूटूथ क्या होता है? तो ब्लूटूथ जो है वो वायरलेस आपकी डिवाइस है, ठीक है। तो ये थे इस इंटरनेट और उससे जुड़े प्रश्न, स्मार्टफोन और उससे जुड़े प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।